मंत्री राजेंद्र शुक्ला ये मौत का पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। रीवा शहर में बीहड़ नदी के टापू पर प्रस्तावित इको पार्क के लिए बनाए जा रहे झूला पुल को लेकर जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने सवाल उठाए हैं। श्री सिंह ने कहा, भाजपा सरकार के स्थानीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा सन 2013 में 30 वर्ष के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसका भूमि पूजन भी सन 2013 में किया गया था। प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत 19 करोड़ रुपए थी, जिसके लिए राजस्व एवं वन भूमि सहित निजी स्वामित्व की भूमि मिलाकर कुल 5.783 हेक्टेयर रकबा अधिग्रहित किया गया था। उक्त प्रोजेक्ट को 3 विभागों ने वन विभाग, नगर निगम तथा इको पार्क टूरिज्म बोर्ड ने मिलकर तैयार किया था, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल से इंदौर की रुचि रियलिटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो झूला पुल चालू होने के पूर्व ही 19 अगस्त 2016 को शहर में आई बाढ़ में जमींदोज होकर बह गया था। शायद गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने चालू झूला पुल की तरह हादसा होता, जहां सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, तो शायद गुजरात झूला पुल हादसे से ज्यादा नागरिक रीवा इको पार्क झूला पुल हादसे में मौत का शिकार हो गए होते। इसके बाद भी स्थानीय पूर्व मंत्री एवं उनकी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। वह विवादित इको पार्क प्रोजेक्ट को बार बार चालू कराने में लगे हुए हैं, जो बड़े हादसे को आमंत्रण है। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2016 को शहर में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए से निर्मित झूला पुल एवं इको पार्क प्रोजेक्ट के जमींदोज होकर बह जाने को लेकर सन 1997 की भीषण बाढ़ का जिक्र करते हुए जनता दल सेक्युलर ने 1 सितंबर 2016 को धरना प्रदर्शन कर कमिश्नर रीवा के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, इंजीनियर व अन्य दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने एवं ब्याज सहित लागत खर्च राशि वसूली के साथ साथ निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने एवं भविष्य में ऐसे मौत के झूला पुल इको पार्क का निर्माण न कराया जाए की मांग की गई थी। तब तमाम जांच पड़ताल एवं आगे आने वाले बाढ़ खतरों को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने मार्च 2019 में यह प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया था। शिव सिंह ने आरोप लगाया है कि पुराने हादसों को नजरअंदाज करते हुए पूर्व मंत्री की जिद से फिर तैयार हो रहा है रीवा बीहड़ नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट के तहत मौत का झूला पुल। बीहर नदी रीवा में ये जो झूला पुल बन रहा है इको पार्क के लिए, उसका हम निरीक्षण करने आए हैं। आपने अभी देखा है गुजरात के अंदर मच्छू नदी में मोरबी इलाके में किस तरह की दुर्घटना हुई। पुल बनने के बाद सैकड़ों लोगों की जल समाधि हो गई पुल टूटने पर। इसी तरह का झूला पुल ये रीवा में बन रहा है। इसके पहले भी ये झूला पुल बिना चालू होने के पूर्व भी ये पुल पूरी तरह से विगत वर्षों आई हुई बाढ़ में ये टूट चुका था। शायद ये पुल निर्माण होने के बाद ये हाल होते तो कितने जनधन की हानि रीवा के अंदर होती। मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ
विकास पुरुष बैठे हैं और फिर से नहीं मान रहे। बार बार हमने निर्माण एजेंसी की जांच कराने की बात किया था, उस समय तमाम की मामला पंजीबद्ध किया जाए, रिकवरी हो जो शासन का खर्चा हुआ है तमाम करोड़ों रुपया, और फिर से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ये मौत का पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। मैं रीवा वासियों से गुजारिश करता हूँ, यदि इस तरह की घटना यदि हो जाएगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ये पूरी तरह से आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, और गुजरात का उदाहरण वहाँ तो चालू होने के बाद गिरा, यहाँ तो चालू होने के पहले ही ये पुल ढह गया था, और फिर से बड़े दुर्घटना के लिए आमंत्रण होगा। इसलिए ऐसा विकास रीवा की जनता को नहीं चाहिए।